दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर अरुण लाल और चुलबुल साहा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अरुण लाल और चुलबुल के बीच उम्र में 28 साल का अंतर है, जिसके चलते इस शादी की चर्चा भारत के साथ ही विदेशों में है। दोनों ने सोमवार को कोलकाता में आयोजित एक निजी समारोह में सात फेरे लिए। बाद में रिसेप्शन पार्टी का भी आयोजन किया गया। अरुण लाल और चुलबुल साहा ने इन सब के बीच पत्रकारों से भी बातचीत की। दोनों से इस दौरान हनीमून को लेकर भी सवाल पूछा गया। इस सवाल का जवाब देते हुए अरुण लाल ने कहा, रणजी ट्रॉफी हमारा हनीमून है। रणजी ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में बंगाल का सामना 4 से 8 जून के दरमियान झारखंड में होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नस्वामी स्टेडियम में होने वाले उस मैच में चुलबुल भी अपने पति के साथ बंगाल को चीयर करती दिखाई देगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि अरुण लाल बंगाल क्रिकेट टीम के हेड कोच है। अरुण लाल ने कहा, मैं वास्तव में बहुत खुश हूं। मेरे पास फिर से जीवन में एक महान अवसर आया है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। हम जिंदगी भर एक अच्छे कपल रहेंगे। वही भारत के लिए ओपनर बल्लेबाज रहे अरुण लाल ने दूसरी बार सात फेरे लिए हैं। आपको बता दें कि उनका पहली पत्नी रीना से तलाक हो चुका है। रीना की तबीयत अभी काफी खराब चल रही है। अरुण लाल ने रीना की मर्जी के बाद ही ये दूसरी शादी की है। शादी समारोह के दौरान अरुण लाल और चुलबुल साहा ने केक भी काटा और मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाया। इस दौरान माहौल काफी खुशनुमा था और ढेर सारे मेहमान इस खास पल का गवाह बने। होटल पियरलेस इन में सोमवार रात रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी शामिल थे। शादी के बाद अरुण लाल और चुलबुल एक दूसरे को किस करते हुए भी नजर आए। सोशल मीडिया पर लोग इस नव दंपति को बधाई दे रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि चुलबुल शाह एक स्कूल टीचर है और एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाती है। चुलबुल शाह को कुकिंग पसंद है। उन्होंने साल 2019 में एक कुकिंग प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया था। उधर अरुण लाल ने भारत के लिए 16 टेस्ट और 13 वनडे इंटरनेशनल में भाग लिया था। अरुण ने टेस्ट मैचों में 16 अर्धशतकों की मदद से 729 रन बनाए। वही वनडे इंटरनेशनल में अरुण के नाम पर एक अर्धशतक की मदद से 122 रन दर्ज है।